हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपना आ डे इन माय लाइफ, साथ ही अपना स्किन केयर, किस तरीके से मैं समर में अपने स्किन के अपनी बॉडी की केयर करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी उठना मुझे पसंद है और उठते ही मैं सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। सो आप लोगों ने हरदम देखा होगा कि मैं पानी हरदम बैठकर ही पीती हूँ। यस, बैठकर पानी पीने के भी अपने कई फायदे हैं। इससे स्किन ग्लो करती है, साथ ही आपके किसी भी जॉइंट वगैरह में कभी भी पैन नहीं होगा और कोई भी बीमारी नहीं होगी। पानी पीने के बाद और सुबह मॉर्निंग में छत पर आने के बाद मैं दोबारा छत पर आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। 1 मंथ हो गया था, 1 मंथ से मेरा एक्सरसाइज का रूटीन ही नहीं बन पा रहा था और इस वजह से मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए मैं एक्सरसाइज वापस स्टार्ट करूँगी और इसलिए मैं छत पर आई। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन किया। सो गाइस, उसके भी अपने एक अलग ही फायदे होते हैं। और उसके बाद मैंने हल्के फुल्के एक्सरसाइज से स्टार्ट करी, क्योंकि एकदम भारी एक्सरसाइज तो नहीं होगी और 1 मंथ का गैप होने के बाद हमारी बॉडी बहुत अजीब सी हो जाती है, एक्सरसाइज होती ही नहीं है और वही सेम प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हो रही थी। बट मैंने अपने आप से वादा किया था कि आज कुछ भी हो जाए आज मैं सुबह जल्दी उठ के 6 बजे मैं छत पर आऊँगी और एक्सरसाइज करूँगी। तो थोड़ी बहुत मैंने सूर्य नमस्कार वगैरह किया, मेडिटेशन किया, क्रंचेस वगैरह की, जिससे जो मेरी बॉडी है वो वापस फ्लेक्सिबल हो और मैं वापस रनिंग वगैरह भी स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा आज से ही सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर आप भी एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो आप भी स्टार्ट कीजिए। इससे हमारी बॉडी भी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है और काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम सुबह मॉर्निंग में करते हैं तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा आता है। जैसे मेरे साथ होता है कि अगर मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ उस दिन मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिन भी बहुत अजीब सा रहता है, चिड़चिड़ी रहती हूँ मैं। बट 1 मंथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और एक्सरसाइज होने के बाद मैंने अपनी बुक पढ़ी, जो कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे जब भी टाइम मिलता था पहले मैं थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ती रहती थी, बट बीच में जब से यूट्यूब में आई हूँ, काम वगैरह करती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। बट मैंने सोचा आज सुबह एक्सरसाइज के बाद ही बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, जिससे जो मेरा रूटीन है वो चलता रहेगा। और उसके बाद मैं नीचे आ गई। सो गाइस, आप देख सकते हैं समर में हमारे हेयर कितने ज़्यादा फ्रिज और ड्राई ड्राई हो जाते हैं। अगर हम इनकी केयर नहीं करें, टाइम पे ऑयलिंग नहीं करें तो हमारे बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक बनाऊंगी। सो मेरे बगीचे में ही एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं वहीं से 2-3 एलोवेरा तोड़ के ले आई थी और उनको इस तरीके से मैंने निकाला। साथ ही मैंने ऑनियन लिया और इन्हें मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया, जिससे ये मास्क मैं अपने बालों में लगाऊंगी। और साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला। सो इस तरीके से मिक्स बनाने के बाद मैंने इसको छान लिया, जिससे एक्स्ट्रा जो भी है वो सब निकल जाए और यही पैक मैं अपने बालों में लगाऊंगी। सो गाइस, ऑनियन में सल्फर पाया जाता है, जो हमारे बालों में से डैंड्रफ को, जैसी भी प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो ये पैक आपके बालों को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। और एलोवेरा में तो इतने ज़्यादा गुण पाए जाते हैं जो बालों को सिल्की, घना, लंबा बनाने में हेल्प करते हैं। सो मैंने ये पैक अपने लगा लिया और उसके बाद मैं 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो गाइस, अब मैं बना रही हूँ बॉडी का D10 पैक। तो इसके लिए मैंने बेसन, हल्दी, चंदन लिया है और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मोस्टली आपने देखा धूप में हमारी स्किन कितनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, D10 की प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे ही हम धूप में बाहर जाते हैं, तो आपने देखा हमारी स्किन डबल हो जाती है। तो इसके लिए ही मैंने ये पैक लगाया है। और मेरे साथ तो होता ही है, जिस दिन मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर नहीं जाती हूँ, हाफ स्लीव्स पहन के चल जाती हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ होती हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम्स आप लोगों ने भी बहुत फेस की होगी, नेक पे, गले पे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप वीक में जब भी आपको टाइम मिलता है आप ये पैक लगाइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो गाइस, समर में हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, साथ ही हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ऑयली स्किन पे पिंपल्स, एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स होना नॉर्मल बात है। तो इसके लिए भी मैं एक बहुत अच्छा फेस पैक लगाती हूँ और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं चंदन लेती हूँ, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेती हूँ और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और हम सभी जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी समर में हमारे फेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। यह हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को सोखती है, साथ ही अगर आपके फेस पे एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो उन्हें भी ठीक करने में हेल्प करती है। मोस्टली पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी यही पैक हमारे फेस पे लगाती थी, इतने तरह तरीके के फेस पैक तो चलते नहीं थे। तो मुल्तानी मिट्टी पत्थर में आती थी, उसको पीसी और उसको भिगोई और वही हम हमारे फेस पे, साथ ही हम बालों को भी उसी से धोते थे, जिससे हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे होते थे। सो गाइस, ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में अपने बालों को धोने के लिए। मुझे समर्स में तो 2 टाइम नहाना ही पसंद है और यहाँ तक
कि आप ये देखिए कि मैं वीक में 2 से 3 बार ही बालों को धोती हूँ, जिससे मेरे बाल भी साफ रहते हैं। आपको बालों को तेज तेज खींच के नहीं धोना है, क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और जब हम इन्हें खींच खींच के धोते हैं तो ये टूट जाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके बालों को हल्के हल्के हाथों से धोया कीजिए और अच्छे से साबुन शैम्पू निकाला कीजिए, जिससे बालों में किसी भी तरीके की डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं हो। बालों में अगर डैंड्रफ हो जाता है तो वो सीधा हमारे फेस पर कनेक्ट करता है और हमारे फेस पर भी पिम्पल्स वगैरह एक्ने हो जाते हैं। तो इसलिए, और साथ ही मैं कंडीशनर हरदम अपने बालों को लगाती हूँ, जिससे मेरे बाल भी प्रोटेक्ट रहते हैं, साथ ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहते हैं और सिल्की भी रहते हैं। सो गाइस, इस सब के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्किन केयर पे। तो स्किन केयर पे सबसे पहले मैं करती हूँ टोनर, और मुझे ये टोनर बहुत पसंद है। मतलब अच्छे से वर्क करता है, स्किन को इतना सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेट बनाता है, साथ ही जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको भी एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये टोनर मुझे बहुत पसंद है, और टोनर यूज़ करने के बाद मैं अपने फेस पे लगाना पसंद करती हूँ मॉइस्चराइज़र। सो ये मुझे बहुत पसंद है मॉइस्चराइज़र। सो गाइस, अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाती तो आप टोनर के बाद डायरेक्ट सनस्क्रीन भी लगा सकती हैं। सनस्क्रीन को कभी भी अवॉइड मत कीजिए, यह आपके फेस पर एक प्रोटेक्ट का काम करती है सन से आने वाली किरणों के लिए। और उसके बाद लगाऊंगी अपना पसंदीदा परफ्यूम। और लिप्स की भी आप केयर कीजिए, लिप्स को भी हाइड्रेट रखिए, साथ ही साथ आप लिप्स स्क्रब भी कर सकती हैं। सो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मोस्टली हमारे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो गाइस, बालों को मैं नेचुरल हवा में ही सूखाना पसंद करती हूँ, जिससे मेरे बाल ड्राई और डैमेज नहीं हो। तो जहाँ तक हो सके आप अपने बालों को नॉर्मली सुखाया कीजिए, साथ ही अपने बालों पर भी सीरम लगाइए, जिससे आपके बाल भी हेल्थी रहे और हेयर फॉल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो भी नहीं हो। तो ज़्यादा सीरम नहीं, मैं बालों पर थोड़ा सा ही सीरम लगाती हूँ, जिससे पूरे से मेरे बालों में लग जाए। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। सो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक जितना ही रहता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं यही सब बना लेती हूँ जो मेरा आगे तक चलता है। सो गाइस, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, आपको क्या क्या खाना पसंद है। मुझे मोस्टली ज़्यादा खाना तो पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे फूड एलर्जी है, तो जिस वजह से मैं रोटी नहीं खा पाती हूँ। तो जहाँ तक जो हेल्थी होता है वही मैं अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में खा पाती हूँ, जो मुझे डाइजेस्ट हो जाए। मुझे वीट से एलर्जी है, और जब भी मैं वीट खा लेती हूँ मेरी पूरी बॉडी पर एलर्जी हो जाती है। तो जहाँ तक होता है मैं अपने वीट को अवॉइड ही करती हूँ, और इसकी जगह मैं मल्टीग्रेन आटा खाना पसंद करती हूँ। सो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए पोहे, और मुझे पोहे खाना बहुत पसंद है। बचपन में जब भी मैं स्कूल जाती थी तो कोई भी फ्रेंड वगैरह पोहे लाती थी, उसके पोहे मैं खा लेती थी, क्योंकि एक टाइम स्कूल का ऐसा होता है जिस टाइम हमें दूसरों के हाथ की बनाई हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं। और स्कूल टाइम में 7 to 8 hours तक रहने में इतनी भूख लगती थी कि सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लगता था कि जिसके जो खाना मिल जाए वो खा लें। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहे। पहले मैं जब भी पोहे बनाती थी मेरे साथ ऐसा होता था कि मतलब पानी ज़्यादा हो जाता था पोहे को भिगोते टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा ही अजीब से बनते थे। बट जब से मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि किस तरीके से पोहे बनाने हेल्थी बनते हैं, और अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर मौसमी का जूस, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो आप भी एक फ्रूट दिन में ज़रूर खाइए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको जूस बनाना पसंद नहीं है तो इसी तरीके से खा लीजिए, और मैं तो नॉर्मल इसी तरीके से हाथ से ही जूस बना के पीना पसंद करती हूँ। मुझे मार्केट के जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उनमें बहुत ज़्यादा ही शुगर रहती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो यहाँ पर मेरे जूस और पोहे बन के रेडी हो गए हैं। सो बहुत ही मतलब टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, ये मेरा ब्रेकफास्ट भी है, और साथ ही साथ ये मेरे लंच भी है, क्योंकि लंच तक अब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी टाइम मिलने वाला नहीं है, और साथ ही जूस भी बहुत टेस्टी बना है। गाइस, रिसेंटली अभी समर को देखते हुए मैंने कुछ मीशो और मिंत्रा से ड्रेसेस वगैरह ऑर्डर की थी, जो कि मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिली थी अभी सेल में। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी है। सो ये सभी ड्रेसेस आप देख सकती हैं, बट रेड कलर की है। सो आप देखिए, बहुत ही प्रीटी, बहुत ही सुंदर लग रही है। बर्थडे के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है, ऑनली 187 rupees की। सो इसका जो कलर वगैरह इतना अच्छा लगा, लग ही नहीं सकता है कि इतने कम प्राइस की ड्रेस। सो इसीलिए मैंने इसको ले ली जल्दी से। मैरून कलर है, जो कि ऑफ शोल्डर है, और ये भी फुल लॉन्ग है। बट क्यों नहीं, बट पता नहीं, मुझे इस टाइप के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बॉडीकॉन है, ऑफ शोल्डर है, सो बर्थडे वगैरह के लिए काफ़ी बेस्ट। ऑनली 230 rupees के समथिंग इसकी प्राइस है। ये
ये टोक्यो टाकीस की है, सो आप देख सकती हैं। और ये ड्रेस भी मतलब बहुत प्यारी लग रही है पहनने के बाद, ओनली 136 रुपीस की। आप यकीन करेंगे कि इतने कम प्राइस में भी इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल सकती हैं। सो मुझे तो जो भी मतलब इतने कम प्राइस में ड्रेस मिली मैंने सारी ऑर्डर कर ली थी। तो आप देख सकती हैं ये भी ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही थी, और ये मुझे कुछ 200 की समथिंग थी, बट बाद में ये और कम हो गई थी। बट इसका जो कलर वगैरह है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर की। गाइस एक ये है ऑफ शोल्डर, सो आप देख सकती हैं ये भी बहुत ही प्रिटी बहुत ही सुंदर लग रही है। बर्थडे वगैरह के अकॉर्डिंग 400 रुपीज़ इसकी प्राइस है, थोड़ा ये ज़्यादा था बट और बाकी सब ठीक है। इस कलर में है और ये देख सकती हैं आप कलर बहुत ही प्यारा कॉर्सेट है, और ये इसके ऊपर का बॉटम, ये ऊपर और ये बॉटम भी है। सो पहनने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर अच्छा लुक आ रहा था। सो ये सभी ड्रेसेस बहुत ही कम प्राइस में मैंने लिए है। अगर आपको इनमें से जो अच्छे लगे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी क्राफ्ट मेले में, जो कि यहीं पर हमारे पास में क्राफ्ट मेला लगा था, और ये इतने दिन से लगा हुआ था बट मुझे पता ही नहीं था कि क्राफ्ट मेला भी लगा है। बट जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे वुडन की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बट जब मैंने यहाँ की प्राइस सुनी जो कि इतनी ज़्यादा थी, मतलब एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ज़्यादा, तो फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। बट मुझे एक साइड कॉर्नर लेना था जो कि मुझे नीड थी, बट इनकी प्राइस सुन के भैया कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मुझे भी कोई साइड कॉर्नर लेना है। बट यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी एक्स स्कर्ट्स वगैरह प्लाजो वगैरह थे, तो दो प्लाजो मैंने ऑर्डर की जो कि मुझे काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में लगे, और यहाँ पर काफ़ी स्कर्ट्स भी थी। बट ये स्कर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, बट ये थोड़ी लॉन्ग नहीं थी। अगर ये लॉन्ग होती तो मैं ले लेती, और मैं यही कह रही थी भैया से कि ये थोड़ी लॉन्ग है क्या, बट उन्होंने कहा कि 3/4 लेंथ तक है। सो 3/4 लेंथ में होने के बाद मैंने नहीं लिया, क्योंकि बीच का साइज़ है, मैं इसे कहाँ पहन कर जाऊँगी। सो ये प्लाजो पे बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, फ्लोरल कलर थे, और समर में हम यही चाहते हैं कि ऐसे कपड़े पहने जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो। बट ये जो प्लाजो थे मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैंने इन्हीं में से ये प्लाजो लिया है, और एक पिंक कलर का प्लाजो था वो भी मैंने ऑर्डर किया है। बट कसम से जब मैंने इनको घर आके पहना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यार 200 रुपीज़ मेरे वसूल हो गए हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्कर्ट्स वगैरह हैं। मोस्टली हम स्कर्ट्स को समर में ही ट्राई करते हैं और समर्स में ही पहनना पसंद करते हैं। सो जब मैं आगे आई तो किचन से रिलेटेड्स भी, होम डेकोर से रिलेटेड्स भी बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स थे, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में। सो सब मुझे बहुत अच्छी लगी। बट मैं यहाँ पर जो आई थी वो नाइट का टाइम हो गया था, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाई, बस थोड़ा बहुत ही मैंने देखा था। सो जो भी मैंने देखा वो मुझे अच्छा लगा। सो गाइस आप देखिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही आप मुझे बताइए कि आप और किस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।